दोस्तों, लेडी बग एक ऐसा कीड़ा है जो बगीचों और घास के मैदानों में आसानी से मिल जाता है। ये कीड़ा बहुत ही छोटा, गोल और लाल रंग का होता है, जिस पर काले रंग के डॉट्स बने होते हैं, जिसके कारण ये दूसरे बग्स की तुलना में काफ़ी सुंदर और चमकदार होता है। लेकिन कई बार ये पीले रंग में भी देखने को मिल जाते हैं। बात करें इनके आकार की, तो इसका आकार 8 mm तक होता है। और अगर बात करें इसकी प्रजाति की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 5,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लेडी बग का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। और इस दौरान मादा बग अपने अंडे देने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश करती है जहां पेड़ पौधे और घास की पत्तियों की तादाद बहुत ही ज़्यादा हो। ऐसा इसलिए ताकि उसके बच्चे अंडे से निकलते ही भोजन पा सके। तो जैसे ही इसे पेड़ पौधे और घास पत्तियों वाली जगह मिल जाती है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बग एक बार में 10 से 15 अंडे दे देती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में ये 300 से 1000 अंडे भी दे देती है। दोस्तों, ये नज़ारा सच में बहुत ही अनोखा है, क्योंकि इन कीड़ों की दुनिया का ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर बात करें इनके अंडों की, तो ये अंडे बहुत ही छोटे और पीले रंग के होते हैं, जो देखने में काफ़ी कमाल के लगते हैं। तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये अंडों को उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है, जिसके एक हफ्ते बाद ही इनसे लार्वा निकलना शुरू होते हैं। और इस बीच इन अंडों का रंग पीले से काला हो जाता है, जिसके बाद अंडों से लार्वा निकलना शुरू होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसे ही अंडों से लार्वा बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये उसी पौधे में मौजूद छोटे छोटे कीड़ों को खाना शुरू करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह ये 1 से 2 हफ्तों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, और इस दौरान ये लार्वा अपनी त्वचा को बदलते रहते हैं। तो जैसे ही ये वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद ये प्यूपा बनाना शुरू करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये लार्वा प्यूपा बनाने से पहले अपने आप को पत्ती से अच्छी तरह जोड़ लेते हैं, ताकि प्यूपा बना लेने के बाद ये नीचे ना गिर सके। और जैसे ही ये खुद को पत्ती से जोड़ लेते हैं,
उसके बाद ये आखिरी बार अपनी त्वचा को निकाल देते हैं, जिसके बाद ये पूरी तरह से प्यूपा बना लेते हैं। तो जैसे ही ये पूरी तरह से प्यूपा बना लेते हैं, उसके 2 हफ्तों तक ये प्यूपा की अवस्था में बने रहते हैं और इस दौरान इस प्यूपा का रंग भी बदलता रहता है, जिसका मतलब ये है कि प्यूपा के अंदर लेडीबग का विकास होना शुरू हो गया है। और जैसे ही इन 2 हफ्तों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद पूर्ण रूप से विकसित लेडीबग प्यूपा के कवच को तोड़कर बाहर निकलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह एक लेडीबग का जन्म होता है। और जैसे ही इनका जन्म हो जाता है, उसके बाद 1 से 2 घंटों में इसके रंग उभर कर आने लगते हैं। जिसके बाद ये पौधों की पत्तियों और अपने से छोटे कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू करता है और इस तरह ये 1 से 2 हफ्तों में पूरी तरह से वयस्क हो जाता है और इस दौरान ये अपनी त्वचा को भी बदलता रहता है, जिसके कारण इसका रंग और भी गहरा होता चला जाता है। और जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इस लेडीबग का जीवन काल 1 साल का होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।